हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को ब्लू चिप कंपनी में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली होगी। दोस्तों, इसका एक ही रीज़न है, वो रीज़न मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ कि कौन कौन सा कंपनी है। देखिए, सबसे पहले इन्फोसिस, TCS, HDFC जैसे बैंक को भी गिराया है। उसके बाद देखिए SBI को भी गिराया है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी गिराया है। तो ये जो चार स्टॉक है ये मेन मुद्दा है। उसके बाद 10 और ऐसे स्टॉक है जो और गिरने वाला है। अगर आपके पास है तो बी कॉन्शियस, मतलब आपको चौकन्ना रहना चाहिए। तो क्यों गिरा है, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोदीज ने है क्या किया दोस्तों, डाउनग्रेडेड कर दिया है ये सारे स्टॉक को। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं SBI, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS एंड 10 अदर्स। मतलब कि दोस्तों इसके साथ, मतलब एक्सेप्ट यहाँ पर जो भी है उसको छोड़ने के बाद भी 10 ऐसे कंपनी हैं जिनको जो है डाउनग्रेडेड किया है, मतलब उसका प्राइस गिरने वाला है। दोस्तों ये कंपनी के ऊपर नहीं है दोस्तों, इकोनॉमिक और मोदीज के ऊपर जो है ये कॉमेंट हो रहा है। और यहाँ पर देखिए कुछ और ऐसी कंपनी है, यहाँ पर बताया गया है द एजेंसी हैज़ ऑल्सो डाउनग्रेडेड द आउटलुक फॉर इधर नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन टू नेगेटिव फ्रॉम स्टेबल। यहाँ पर देख लीजिए कौन से हैं, दे आर BPCL, HPCL, इंडिया इंडियन ऑयल, ONGC, ऑयल इंडिया। तो दोस्तों ये सारे कंपनी है जिसको जो है डाउनग्रेड किया गया है। किस लिए डाउनग्रेड किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों एक छोटा सा मुद्दा था, निर्मला सीतारमन जो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो है इसके ऊपर कमेंट किया। उनको खुद मतलब बयान देने का, मतलब अनाउंसमेंट करने का जो है उनको खुद से ये करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कर्ज बहुत ज़्यादा है कंपनियों में और उस कर्ज के वजह से बहुत ज़्यादा जो है इंडिया का इकोनॉमिक, भारत के ऊपर जो है ये कमेंट किया गया है कि भारत को इकोनॉमिक जो है अभी थोड़ा बहुत अनसफिशियंट है, स्टेबल नहीं है। इसके वजह से जो बड़े बड़ी कंपनियाँ हैं उनको जो है डाउनग्रेडेड कर दिया गया है। निर्मला सीतारमण का ये बयान है। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग कमेंट भी किए हैं, यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बैन करो मोदीज को और अदर रेटिंग एजेंसी को। मतलब मोदीज जो है रेट करता है, रेट देता है कैसा रेट है दोस्तों, और अदर एजेंसी जो है बताता है कि इस कंपनी का कैसा रेट है, तो वो डाउनग्रेड कभी कर देता है, अपग्रेड कभी कर देता है। तो यहाँ पर देखिए इनका कमेंट है, इट इज़ द हाई टाइम, मतलब कि ये फालतू एजेंसी है, गिव फालतू रीज़न, मतलब इनको मतलब नेगेटिव, मतलब इनके हिसाब से ये बताना चाहते हैं कि जो मोदीज ने किया है और अदर एजेंसीज ने जो किया है रेटिंग दिया वो दोस्तों गलत है। उसके वजह से जो है छोटे इन्वेस्टर को, देखिए स्मॉल इन्वेस्टर क्रैश होते हैं यहां पर। तो यहाँ पर देखिए लोगों ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट किया है और ये बताना चाहते हैं नेगेटिव कमेंट करके कि जो मोदीस ने किया है वो गलत किया है। देखिए दोस्तों, इन्फोसिस पहले से ही टूटा हुआ था और उसको तोड़ दिया गया है, और ऊपर से HDFC जैसे बैंक को भी उन्होंने हिला के रख दिया है। तो कुछ ऐसे ऐसे इकोनॉमी के वजह से सारे देखिए लोग जो है यहाँ पर कॉमेंट करके बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों बात अब ये आती है कि करना क्या चाहिए। जो लोग पहले से इसमें पहले से ये सब कंपनी को खरीद रखे हैं, एग्जिस्ट है उनके पास, तो उनको क्या करना चाहिए ये मौजूदगी में। तो मैं बोलूँगा अभी होल्ड रखिए, ठीक है ये जो, और हाँ SBI को तो पक्का होल्ड रखिए, जिन्होंने SBI को ख़रीदा है पक्का होल्ड रखिए, इन्फोसिस को भी होल्ड रखिए। देखिए ये जो कंपनी मैं बता रहा, HDFC का तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों, आज नहीं तो कल इसको बढ़ना ही है, इसको कौन रोक सकता है। TCS देखिए अभी थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, लेकिन इनके जो चेयरमैन है और CEO जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा जो स्ट्रांग फाइनेंशियल के साथ साथ दोस्तों इनके पास कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छा है, एबिलिटी भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे जो कंपनी है तीन चार मैं इनको बोलूँगा होल्ड कीजिए, बाकी सब BPCL, HPCL जो भी थे उनको बोलूँगा उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा हेवी क्वांटिटी खरीद रखा है तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा जो है उसके ऊपर अपना विचार कीजिएगा, देखिएगा ज़्यादा लॉस ना हो जाए। लेकिन ये जो कंपनी यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों स्क्रीन में, ये आपको डिस्प्ले जो हो रहा है आपको यहाँ पर होल्ड करना है अगर आपने निवेश किया है तो। मोदीज देखिए अभी कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये जो कंपनी है ब्लू चिप की कंपनी है, ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, चाहे HDFC हो, TCS हो, चाहे कोई भी हो दोस्तों। तो सपोर्ट कीजिए, छोड़ के जाइएगा मत, अपने लॉस में एग्जिट मत हो जाइएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन दोनों अच्छा लगा तो लाइक करके इनक्रेज कीजिएगा, और बताइएगा अगर किसी ने इस किसी भी कंपनी को खरीदा है ये सारे में से तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल में एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, उसके लिए आप हमारे पूरी वीडियो के साथ पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में।